ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज पूरे मुमरा वासियों के जबान पर एक ही नाम है, गुंजन शेख। पिछले दिनों हमने जो खबर चलाया था गुंजन शेख का, जो MIM से उन्हें टिकट दिया गया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी माहिर हैं राजनीति में, जो है काफ़ी घसे मजे हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब आज फेल हो गए, क्योंकि एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसका नाम गुंजन शेख है, जो काफ़ी भरोसेमंद था, लेकिन उनका भरोसा तोड़ दिया। हालांकि आज 7 तारीख था, आज फॉर्म लेने का डेट था, लेकिन गुंजन शेख ने एक ऐसा कारनामा दिखाया जिससे राजनीतिक में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ था गुंजन शेख को लेकर, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही थी। एक तरफ NCP के जो है डॉक्टर जितेंद्र आवाड जो है चुनाव मैदान में थे, दूसरी तरफ जो है दीपाली सैयद जो शिवसेना से, और तीसरी तरफ MIM के गुंजन शेख थे। लेकिन कहीं ना कहीं गुंजन शेख ने ऐसा सबक सिखाया है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपको एक बार और बता दें, हम जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वही जगह है जहां पर कल तक यहां पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा था। एक के बाद एक लोग नए कार्यकर्ता उमड़ कर आ रहे थे। ये वही बंगला है, ये गुंजन शेख का जो बंगला है, देखिए अभी ये बंद है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर एक कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं। कल तक इसी जगह पर हजारों की तादाद में लोग कार्यकर्ता जमा हो रहे थे। हालांकि गुंजन शेख को जिताने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर जो MIM के कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहे थे, लेकिन इनकी बातों पर आ गए, वो लोग सब एक मीटिंग कर लिए, यहां तक इन्हें ऑफिस भी दिया गया। लेकिन ये आज ऐसा कारनामा गुंजन शेख ने दिखाया कि पूरे मुमरा में हाहाकार मच गया है। हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये वही बंगला है गुंजन शेख का, ये गुंजन शेख का बंगला है। अब तरह तरह के जो है शहर में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गुंजन शेख ने, MIM के उम्मीदवार थे, क्यों और कैसे उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया, वापस लेने की वजह क्या रही है। कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि कुछ पैसों की मांग जो है थी, कुछ पैसों को लेकर उन्होंने जो है अपने फॉर्म को रिटर्न ले लिया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है कहीं ना कहीं ये भरोसा तोड़ दिया है। गुंजन शेख ने पानी फेर दिया है, कहीं ना कहीं जो है आज एक बड़ा यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, मायूसी देखने को मिल रहा है। MIM के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, पिछले कुछ दिनों से वो नाराज़ ज़रूर थे, मगर उन्होंने मीटिंग किया, मीटिंग के बाद जो है फैसला कर लिया था कि गुंजन शेख को भारी तादाद से, भारी वोटों से जिताएंगे। लेकिन राजनीतिक की अगर बात करें, जो कल तक गरमाई हुई थी वो अब कहीं ना कहीं जो है एक अपना अहम मोड़ ले लिया है, कि लोग अफवाहों में भी जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये बता रहे हैं कि अफवाह है, लेकिन हम आपको आज इसीलिए वो बंगले से शुरुआत किया है, जो बंगले में वो रहते थे उस बंगले में अब कोई नहीं नज़र आ रहा है। इनका एक कार्यालय MIM का जो है वो सिलफाटा में था, वो सिलफाटा में भी नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल, जब से ये जो है मामला सामने आया है कि गुंजन शेख यहाँ से फरार हो चुके हैं, उसके बाद से शहर में माहौल काफ़ी तनाव देखा जा रहा है, और डायघर पुलिस यहां पर जो है राउंड अप कर रही है किसी तरह का वाद विवाद ना हो, क्योंकि जिस तरह से माहौल गर्म है, लोग जो है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इससे साफ साबित होता है कि जब वो अपना फ़ोन नंबर बंद कर चुके हैं, वो यहां से फरार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुंजन शेख ने कुछ पैसे लेकर यहां से फरार हो गए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये सिबली नगर इलाका है, इस सिबली नगर इलाके में पूरा जो है हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई गुंजन शेख को पूछ रहा है कि आखिर गुंजन शेख अचानक में यहां से कैसे चले गए, कहां चले गए। हर कोई सदमे में है, उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तो सदमे में हैं, लेकिन घर में जो है कोई नहीं है फिलहाल जो है, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके भाई भतीजे और जो लगे सगे थे वो सब के सब नंबर बंद आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि लोगों ने आरोप लगा रहे थे, अलग अलग तरीके से आरोप लगाए कि गुंजन शेख ने पैसे लेकर जो है यहां से फरार हो गए, पैसे लिया है उन्होंने, फिर अपनी टिकट फॉर्म वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं ये सही साबित होता है, क्योंकि कोई जवाब देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम एक बात और आपको बता दें, पिछले एक महीने से काफ़ी घमासान मचा हुआ था टिकट को लेकर, MIM के 9 उम्मीदवारों ने जो है टिकट की मांग की थी, यहां तक एजाज खान, एक्टर एजाज खान ने भी मांग की थी असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और उसके बाद नईम नज़ीर खान ने भी टिकट मांगी थी, महेंद्र कुमलेकर ने भी मांगा था,
और जो है शाह आलम आजमी जो नगर सेवक हैं वो भी टिकट मांगा था, यहाँ तक सैफ पठान ने भी टिकट मांगा था। बहुत से ऐसे लोग थे, लगभग 9 लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और सिर्फ 9 लोगों की उम्मीदों पर ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है जो उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट किसी को ये उम्मीद नहीं था कि ये रातों रात फरार हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ लोगों में यह कहा जा रहा है कि कल रात से ही गुंजन शेख फरार थे, फरार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने पता किया तो ये गुंजन शेख जो है आज दोपहर से यहाँ से लापता हो गए हैं, इनकी जो कार्यालय हैं वो बंद हो चुके हैं। अब आखिर वही बता सकते हैं गुंजन शेख कि क्यों और कैसे यहाँ से जो है वो फरार हुए, और इस उम्मीदवारी की जो दावा कर रहे थे MIM से वो अपनी दावे को जो है फेल करके यहाँ से फरार हो गए। बहरहाल मैं आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको बंगले से लेते हुए हर कहानी आपको बता रहे हैं जो है, और यहाँ तक जो है कल रात को MIM के जो लोग नाराज थे वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं गुंजन शेख को समर्थन कर दिए थे, क्योंकि वो सब लोग नाराज़ थे गुंजन शेख को, कहाँ आपने टिकट दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब से काफ़ी लोगों ने विरोध किए थे, काफ़ी लोगों ने जो है गुहार लगाए थे कि एक ऐसे शख्स को आप जो है टिकट दिया है। तो बहरहाल जो है आज ये साबित हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुंजन शेख को टिकट दिया था और गुंजन शेख यहाँ से फरार हो गए। पूरा मुमरा कलवा में जो है हर लोगों के जबान पर चर्चा है, हर लोगों के जबान पर जो है यही चर्चा है, गुंजन शेख फरार हो गए, गुंजन शेख फरार हो गए। बहरहाल मेरी नज़रें बनी हुई हैं, अगर गुंजन शेख आ जाते हैं तो हम ज़रूर आप लोगों को अपडेट देंगे। राजनीतिक को मोड़ दिया है गुंजन शेख ने, कई कार्यकर्ता जो है नाराज़ हो चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। गुंजन शेख से हमारी कांटेक्ट हुई तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे कि गुंजन शेख आखिर यहाँ से क्यों फरार हुए, फरार होने की वजह क्या है, किसके दबाव में उन्होंने जो है टिकट को फॉर्म को वापस लिया है। पूरे महाराष्ट्र में जो है एक बड़ा झटका MIM को लगा है। गुंजन शेख के ऊपर कई मामले थे और इस बात का भी पुष्टि होना था। बहरहाल जो है हम केस पर नहीं जाते, लेकिन आज जो उन्होंने ये कारनामा दिखाया है वो कहीं ना कहीं जो है एक दाग बना दिया है, एक बड़ा दाग बन गया है गुंजन शेख के ऊपर। और इसी के साथ कैमरामैन सलमान के साथ फिरोज हाशमी, प्रहार टाइम्स, मुमरा।